राज तो बिसार सब काज कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती के जीवन को बदल गया सर बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई भाग गई जी भाग गई अरे कोई बात नहीं उसे तो बचपन से भागने का शौक है सतमोला कुछ भी पचा हर पल मस्ती और रंगीन सतमोला नमकीन इससे बेहतर है नथिंग सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल पनीर मुझे भी कमाल इसके दे टेस्ट के सब शौकीन सतमोला नमकीन स्वीट्स एंड नमकीन इससे बेटर है नथिंग हाँ नमकीन सीएम साहब हमारे तीस विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए अब आप सीएम नहीं रहे तो अब नया सीएम कौन बन रहा है चल सतमोला खाओ कुछ भी बचाओ

बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का पिछले 17 वर्षों से देश के नंबर वन शो सतमोला कवियों की चौपाल में और आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के बड़े कवि महेंद्र अजनबी जी उनसे हम सुनने वाले हैं आज हंसी की एक ऐसी कविता जो हम सबको हंस-हंस कर लोटपोट होने पर मजबूर कर देगी तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं महेंद्र अजनबी जी तो जब लड़ाई छिड़ती जनता में भी जोश आ जाता अब मेरे मोहल्ले वालों को भी जोश आया अब वो जनता है सीमा पे लड़ने तो जा नहीं सकती उन्होंने सोचा क्या किया जाए बोले चलो एक वीर रस का कवि सम्मेलन करवाते हैं अच्छा उन्हें कोई ढंग का कवि उन्हें वीर रस का मिला नहीं पता नहीं कहाँ कहाँ से पचास साठ कवि पकड़ के लाए जो भी सड़क पर मूछों वाला आदमी दिखाई दे रहा था उससे कहते थे यार तू रस का लग रहा आजा मंच पे बैठ जा मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है अच्छा कोई कोई तो वीर रस का कवि इतनी ऊँची छोड़ेगा भाई सब अभी एक कवि को सुनना था बड़ी जोर से चीखते हुए बोला राख लगा कर जीप खींच लो पापी पाकिस्तान की मैंने उससे पूछ लिया राख लगा के क्यों खींचो बोला जीप है स्लिप कर सकती है कविता सुनाना कविता शुरू कर रहा हूँ एक बार तालियां बजाकर कर मन दे। जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा कि कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था मंच के थे बहुत ही ठाट बाट वीर रस के कवि बैठे थे लगभग साठ मैं खुश हुआ साठ कवियों की पूरी प्लाटून भाई क्या बात है आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात <laughs> जब एक ही कवि पाकिस्तान को नहीं निपटा देता साठ उसका क्या हाल करेंगे उस आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है फिर आशंकित हुआ साठ कवि वो भी एक ही रस के भगवान बचाए जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है कहीं वो इनमें आपस में ही न छुड़ जाए सात आठ कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव एक कवि बोला देते हुए मुँह को ताव पहले कविता पढ़ने मैं जाऊंगा क्योंकि शुरू में ही यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया तो मैं क्या बाद में झुंझुना बजाऊंगा पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया पूरा मंच बन गया था बंकर सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर पर एक कवि अभी भी पुराने जमाने के नशे में झूम रहा था मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए कहाँ है पाकिस्तान तुझे तलवार से निपटाएंगे एक ने तो बहुत ऊंची छोड़ी उन दिनों परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे बड़ी जोर से चीखते हुए बोला हे मुशर्रफ हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घोंप देंगे अच्छा मैं चौका मैंने कहा राणा सांगा की तलवार 400 साल पुरानी बोले कुछ नहीं उसकी धार से मरेगा तो मरेगा नहीं तो साला सेप्टिक से तो मरी तो एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से एक ने तोप से उड़ाया एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था एक भी पैसा खर्चा नहीं किया पूरा पाकिस्तान फूक से ही उड़ा दिया अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से और जोर से चिल्लाया सुन ले पाकिस्तान सुन ले सुन ले पाकिस्तान सुन ले मैं चकराया और अगली पंक्ति पर आप सभी की तालियां चाहता हूं मैं चक्राया अबे ये क्या क्लेश है जिस दिशा में यार ये कवि उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है इसे कविता को गलत डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए था ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वाला उठाना चाहिए था वो फिर चिल्लाया सुन ले पाकिस्तान सुन ले इस बार एक श्रोता ने खड़े होकर बहुत बढ़िया बात कही आपकी तालियां उठनी चाहिए उस बात पे वो फिर चिल्लाया सुन ले पाकिस्तान सुन ले एक श्रोता खड़ा होकर बोला अबे क्या और किससे कह रहा है पाकिस्तान तो जन्मजात बह रहा है अबे क्या और किससे कभी ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार वाक्य बदला इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले। इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो सुन ले पीछे से एक श्रोता बोला भाई जब तुम्हारी आवाज़ यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है तो इस्लामाबाद तक कैसे जाएगी वीर रस का अब जो कभी आया भाई साहब होगा करीब पंद्रह किलो का इतना तो तब बता रहा हूँ जब भयंकर सर्दियों का मौसम था पाँच छ किलो तो कपड़े ही पहन रखे थे मैंने तो मेरा एक दोस्त से पूछा मैंने कहा यार ये वीर रस का कवि इतना पतला दुबला इतना कमजोर कैसे हो गया बोला ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये हर समय फूकता ही रहता है इतना नुकसान ही अपनी कविता से पाकिस्तान का नहीं कर पा रहा जितना अपने शरीर का कर <laughs> अच्छा इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ रहा था आप लोग दृश्य का आनंद लेना तो श्रोताओं में से एक बोला भाई कौन खड़ा है भाई कौन खड़ा है दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है उसकी बगल वाला श्रोता बोला लगता है तू भी गच्चा खा गया है अबे कभी तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया यह दिखने में कैसा लगता है जरा पता लगाओ उसकी बगल वाला श्रोता बोला किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ अच्छा कुछ खपती लोग भी बैठे होते हैं श्रोताओं में एक गया अपने घर जाकर दूरबीन लेके आ गया उससे देखते हुए बोला रे ये कवि खड़ा है उसका एक्स रे अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया, श्रोताओं में से और देखना मैंने हाथ से कहाँ से निकाला है तो आपकी तालियां चाहता हूँ अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया, श्रोताओं में से एक बोला लगता है मिर्गी का दौरा आया एक श्रोता बोला इसे जूता सूंघाओ दूसरा बोला गरम गरम दूध पिलवाओ तीसरा बोला तू किस टेंशन में है गौर से इसकी जेब देख किसका मोबाइल फ़ोन वाइब्रेशन में वीर मीर रसकाब जो कवि आया वो रामलीला वाले अंदाज में आया जितना वो अपनी कविता में पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था उतना ही माइक से पीछे हटता है आते ही चिल्लाया अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधे इस्लामाबाद पर इस तरह से कई कवियों के हाथ हवा में जोर जोर से लहराए और उन्होंने क्रम से लाहौर कराची सियालकोट सरगोदा हड़प्पा गिलगित मुल्तान तक में झंडे फहराए और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठनी चाहिए और एक घंटे में श्रोताओं में पैदा ऐसा जज्बा कर दिया कि मंच से ही पांच कवियों ने पाकिस्तान के सैंतालीस शहरों पर कब्जा कर लिया ऐसे कब्जा कर रहे थे जैसे सारे प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए अब अगले कवि की घबरा रही थी आत्मा क्योंकि पांच कवि अब तक कर चुके थे पाकिस्तान का खात्मा पर वो मेरा दोस्त निकला मंच से उतर के मेरे पास आया मुझसे बोला यार अजनबी क्या करूँ कहाँ जाऊँ इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है अब उसे बाकी शहरों के नाम याद नहीं थे इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है क्या करूं कहां जाऊं मैं झंडा कहां फहराऊँ मैंने कहा झंडा कहां फहराऊँ फिर तो ऐसा कर जा झंडा लेकर और आगे निकल जा और सीधे अफगानिस्तान पे चढ़ जा <laughs> बोले नहीं यार वहां तो आजकल अब अमरीका बम फेंक रहा है मैंने कहा फिर उसके आगे ईरान है वहां तेहरान निकल जा तेरा क्या जा रहा वहां फहरा दे वो बोला यार तेहरान तो क्या उसके आगे इराक है वहाँ बगदाद उसके आगे सीरिया है वहाँ दमिश्क एक बार मेरे भौगोलिक ज्ञान पे तालियां बज उससे आगे सीरिया है वहाँ दमिश्क तक मैं झंडा फहरा दू पर यार शहर दमिश्क ऐसे नाम पे श्रोता ताली नहीं बजाते ये है सबसे बड़ा रिस्क मैंने कहा फिर तू ऐसा कर ले या तो राइट टर्न लेके चीन की तरफ निकल ले या फिर यू टर्न लेकर वापस मंच पर आ जा यही सा तो, तो टेक ऑफ करेगा कविता समाप्त हो गई वाह क्या बात है कमाल की कविता कमाल का हास्य बोध इसे कहते हैं यूं ही कोई बड़ा कवि बड़ा कवि नहीं बनता वाकई में उसकी कविता में वो बात होती है और आप देख पा रहे होंगे मेरे चेहरे की मुस्कुराहट अभी तक भी कम नहीं हो पा रही है और ऐसा ही आप सबके साथ भी हो रहा होगा तो एक बार फिर से तालियां बजाते हैं महेंद्र अजनबी जी के लिए दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कविता का वो बड़ा नाम जिनके नाम में भी रस है जी हाँ मैं बात कर रही हूँ रसिक गुप्ता जी की दिल्ली के कवि हैं और क्या हास्य बोध रखते हैं क्या हास्य प्रस्तुत करते हैं नाम में रस और जुबान पर हास्य है। कॉम्बिनेशन है लेकिन सुनकर देखिएगा वाकई में आनंद आ जाएगा तो आइए हम सब स्वागत करते हैं रसिक गुप्ता जी का अभी लॉकडाउन में कविता का जन्म हुआ और वो कविता बनी पूरे भारत की चहेती हाथ से कविता आप मुझे सौभाग्य मिला है सतमोला कवियों की इस चौपाल में उस कविता को प्रस्तुत करने का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं भाई परवीन आर्य जी का जिन्होंने अवसर दिया मुझे यहां हमारे बड़े भाई होते हैं तो लीजिए वो कविता आपके सामने सीधे सीधे रखता हूं कि इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए पहले सब हेलो हाई किया करते थे इस हेलो हाई को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा तो पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा दो दिन बाद मैं पुलिस की परमिशन लेके उससे जेल में मिलके आया तो उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। बोला यहां ना बर्तन मांजना, ना कपड़े धोना अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है भैया मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया यहाँ ज्यादा आराम है घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था यहाँ मिलता है बिल्कुल ताजा रसिक भाई मेरी मान तू तो किसी पे भी थूक दे और यहीं आ जा वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग हर पति ने खींची पति की खाल लेकिन ज्योतिषियों का हुआ सबसे बुरा हाल एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी मार्च समाप्त तो होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर वो अब तक घुमरी हाथों में लगाई सैनिटाइजर और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे की शकल देखने को तैयार नहीं थे उन्हें एक कर दिया मैंने तो अपने कई कुआरे मित्रों को सलाह दी कि शादी डॉट कॉम पर रजिस्ट्रेशन करा के सर पर बंधवा लो सेहरा ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा पार्लर सारे बंद पड़े हैं ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है अरे हम तो धोखा खाए बैठे हैं क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई है हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लव गुरु हो गया प्रवीण जी हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लव गुरु हो गया क्योंकि जिस दिन उसकी साड़ी उससे मिलने आई उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया अब तो जीजा जब भी बोरियत फील करे साली के साथ छत पे चढ़ जाए और अगला तो चाहता ही है ये लॉकडाउन दो चार महीने और बढ़ जाए एक सब्जी वाला बोला बहन जी सब्जी ले लो इतना सुनते एक सज्जन के खून में आ गया उबाल बोला साले बहन जी नहीं जीजा जी हूं सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल <laughs> हमारे एक मित्र की पत्नी ने कर दिया बवाल अपने पति से पूछ लिया एक खतरनाक सवाल बोली तुम कोरोना से ज्यादा डरते हो या मुझसे पति बोला सच्ची बताओ तुझसे क्योंकि कोरोना नाम का रोग तो थोड़े दिन में काबू में आ जाएगा लेकिन पत्नी को काबू में करने की वैक्सीन तो भगवान भी नहीं बना पाएगा इस लॉकडाउन में कुत्ते भी हो गए बेहाल एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल बोला सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही किसके पीछे भागे किस पर भौंके खाली पड़े पड़े फूल गए क्या बताऊं भैया कुत्ते हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए इस लॉकडाउन ने कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया और जिन कवियों ने अपनी पत्नी को अपना पेमेंट हमेशा आधा बताया अब सारे पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं भेद खुल गया रोज पत्नी से मार खा रहे हैं और कई कवियों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे बीच समुद्र नाव में हो गया हो छेद बचाए गए पैसों से कहां कहां गुलछर्रे उड़ाए खुल के आ रहे हैं सारे के सारे भेद लेकिन इस लॉकडाउन में कुछ काम नहीं आ रहा ना कोई जादू ना कोई टोना ना कोई मंत्र ना कोई जाप अरे देखते रहो आप रामायण पर वास्तविक जीवन में बंद हो गए सारे भरत मिलाप पर वास्तविक जीवन बंद हो गए सारे भरत मिलाप लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा कितनी शुद्ध हवा हो गई और यह बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई यह बीमारी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई क्या इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं है दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर पता होता कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी बहुत, 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 बहुत। इस कोरोना से कैसे निपटे इस महामारी से कैसे निपटे अमेरिका इंग्लैंड जर्मनी किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहा है आज कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहा है आज कोरोना की वैक्सीन और हाँ से इन दो कविताओं के बाद मैं बुलाने जा रही हूँ उन्हें जो आपके सामने उर्दू ज़बान की नज़ाकत पेश करेंगी जी हाँ मैं बुलाने जा रही हूँ सीमा विजय वर्गीय जी को जो अलवर से आती हैं और शी ज़बान रखती हैं बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम सीमा जी का कि वो आए और गज़ल से हम सबको मदहोश कर दें सीमा जी सदियों ने पल पल है जिसका सदियों ने पल पल है जिसका रूप संवारा ऐसा देश हमारा ऐसा देश हमारा ऋषियों मुनियों ने जिसको ऋषियों मुनियों ने जिसको पुचकारा ऐसा देश हमारा ऐसा देश हमारा लेकिन आज के हालात देखिएगा, जाने क्यों अब उल्टी गंगा बहा रहे हैं जाने क्यों अब उल्टी गंगा बहा रहे हैं सारी नगरी खुद जैसी ही बना रहे हैं एक टके की भाजी खाजा बता रहे हैं एक टके की भाजी खाजा बता रहे हैं बगुले सारे खुद को हंसा दिखा रहे हैं धो लेते हैं हाथ जहाँ भी धो लेते हैं हाथ जहाँ भी बहती धारा ऐसा देश हमारा ऐसा देश हमारा कौवे तो हर रोज दिवाली मना रहे हैं कौवे तो हर रोज़ दिवाली मना रहे हैं ढपलीले अपने रागों को सुना रहे हैं ढपलीले <गया> अपने रागों को सुना रहे हैं <गड़े> दिल्ली दूर मगर आशाएं बंधा रहे हैं दिल्ली दूर मगर आशाएं बंधा रहे हैं पांचों उंगली घी में दावत उड़ा रहे हैं खा पी कर बैठे हैं घर का खा पी कर बैठे हैं घर का राशन सारा ऐसा देश हमारा ऐसा देश हमारा चाचा चोर भतीजा काजी क्या बोले हम चाचा चोर भतीजा काजी क्या बोले हम दोनों ही आपस में राजी क्या बोले हम मक्खी को छोड़े पर हाथी निकल रहे हैं मक्खी को छोड़े पर हाथी निकल रहे हैं चोर चोर मोसे रे भाई उछल रहे हैं चोर चोर रे भाई उछल रहे हैं आंसू के ही घूट पिए अब आंसू के ही घूट पिए अब सच बेचारा ऐसा देश हमारा ऐसा देश हमारा मगर मच्छ हंस हंस कर मछली फंसा रहे हैं मगर मच्छ हंस हँस कर मछली फंसा रहे हैं मान सरोवर में बगुले खिलखिला रहे हैं आगे, आगे, आगे। मान सरोवर में बगुले खिलखिला रहे हैं लंबाटी टीका मीठी वाणी वो रखते हैं लंबाटी टीका मीठी वाणी वो रखते हैं तिल चमेली कापने सिर पर मलते हैं तिल चमेली कापने सिर पर मलते हैं कर कर जतन इन्होंने अपना कर कर जतन इन्होंने अपना कर कर जतन इन्होंने अपना रूप संवारा wow. ऐसा देश हमारा ऐसा देश हमारा इतना पानी पी बैठे रोएंगी सदियाँ wow. 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 इतना पानी भी बैठे रोएंगी सदियाँ बादल तक सूखे हैं क्या सागर क्या नदियाँ बादल तक सूखे हैं क्या सागर क्या नदियाँ बच्चे जब पीने के पानी को तरसेंगे बच्चे जब पीने के पानी को तरसेंगे चिल्लो भर पानी में हम सब डूब मरेंगे चिल्लो भर पानी में हम सब डूब मरेंगे बची नहीं दो बूंद आँख में बची नहीं दो बूंद आँख में है अंधियारा ऐसा देश हमारा ऐसा देश हमारा देश हमारा देश हमारा नमस्कार गजल के बाद हम बात करेंगे फिर से हास्य बोध की हंसने हंसाने का दिन है दुनिया की जिंदगी में इतनी ज्यादा टेंशन आजकल भरी हुई है कि अगर हास्य बोध ना परोसा जाए तो सब लोग सोच सोच कर ही मर जाएं। तो क्यों ना एक बार फिर से हास्य के कवि को बुलाते हैं जी हाँ मैं बुलाने जा रही हूं अयोध्या की पावन धरती से आने वाले ताराचंद जी को वो आएंगे और हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे हास्य है। तो एक बार तालियों के साथ स्वागत करते हैं ताराचंद तनहा जी का चार पंक्ति अपनी पहचान की देता हूं कि मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए एक दिन मिले हुए हाथ में अद्धा लिए हुए मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए एक दिन मिले हुए हाथ में अद्धा लिए हुए और करते रहे चोरी से वे जंगल का सफाया मंत्री बने फोटो छपी पौधा लिए हुए मंत्री बने फोटो छपी पौधा लिए हुए <luckily> <thoroughly> और अब ये ब्रेक के बाद एपिसोड अब मेरा आ रहा है ब्रेक पर चार पंक्तियाँ सुनाता हूँ मैं धर्म के नगरी का रहने वाला हूँ धार्मिक सीरियल देखता हूँ और जैसे कोई खास सीन सिचुएशन आती ब्रेक आ जाता है ये ब्रेक कितना खलता है चार पंक्तियाँ सुनिएगा धार्मिक सीरियल देख रहा था ब्रेक आता गया कि बोले श्री कृष्ण भगवान लेकिन ब्रेक के बाद बोले श्री कृष्ण भगवान लेकिन ब्रेक के बाद वत्स तेरा होगा कल्याण लेकिन ब्रेक, ब्रेक के बाद वत्स्य तेरा होगा कल्याण लेकिन ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले भीम ने अपनी गदा तान के मारी तो दुर्योधन की निकली जान लेकिन ब्रेक के बाद दुर्योधन की निकली जान लेकिन ब्रेक के बाद और आने वाले समय देखिए भी एक नया बसंत आजकल पश्चिमी सभ्यता का हवी हुआ है वैलेंटाइन डे एक व्यंग की कविता रखता हूँ कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का अनुयायी मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का अनुयायी उनका पुजारी यानी कि एक पत्नी व्रतधारी मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का अनुयायी उनका पुजारी यानी कि एक पत्नी व्रतधारी ऐसे में कैसे बन जाता मुरली मनोहर मदन मुरारी ऐसे में कैसे बन जाता मुरली मनोहर मदन मुरारी किंतु ऐन होली के दिन में होलिया गया एकदम वैलेंटाइन डे की मूड में आ गया ऐन होली के दिन में होलिया गया एकदम वैलेंटाइन डे की मूड में आ गया जैसे ही पढ़े घर के बाहर मेरे चरण श्रीमती जी भाप चुकी थी मेरा आचरण श्रीमती जी भाप चुकी थी मेरा आचरण बोली कहाँ चल दिए मेरे ऋतिक रोशन कांटा लगाने वाली गोपिकाओं के किशन जाओ जाओ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कहाँ जाओगे मक्खन तो नसीब नहीं होगा आइसक्रीम ही खाओगे जाओ जाओ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कहाँ जाओगे मक्खन तो नसीब नहीं होगा आइसक्रीम ही खाओगे किंतु इतना भी रखना ध्यान मेरे विवेक को बराए मेरे सलमान कि सुबह के भोले जब शाम को घर आओगे तो वैलेंटाइन डे नहीं बेलन टाइट दे पाओगे बेलन टाइट दे पाओगे बेलन टाइट दे पाओगे चार पंक्तियाँ हम गांव से जुड़े हैं और शहर में आकर गांव से किस तरह से मोहब्बत करते हैं चार पंक्तियों में बात करता हूँ कि छप्पर की तस्वीरें देखी मैंने शहर के बंगलों में छप्पर की तस्वीरें देखी मैंने शहर के बंगलों में जो मछली ने भक्ति देखी पानी के उन बगलों में जो मछली ने भक्ति देखी पानी के उन बगलों में और चांद कभी था सर पे अपने चांद कभी था सर पे अपने आज चांद के सर पे हम खेतों में अब घर बनते हैं खेती होती गमलों में खेतों में अब घर बनते हैं खेती होती गमलों में और हास के ये होली के मौसम में हास के एक दो दोहे सुना देता हूं कि हाथ देखिए कैसे निकलता है कहाँ से कि एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम देखने में बेवकूफ लगती हो पर हो नहीं ये बोली हमारे आप में तो अंतर है हाथ कहीं निकल जाता है कि छज्जे ऊपर खड़ी खड़ी बांट रही मुस्कान छज्जे ऊपर खड़ी खड़ी बांट रही मुस्कान जैसे कागज पर बटे सरकारी अनुदान जैसे कागज पर बटे सरकारी अनुदान और एक दोहा देखिए श्रृंगार का हास का होली से एक शब्द आता है निविदा सरकारी शब्द है निविदा को यहाँ प्रयोग किया गया है कि गोरी तेरे होठ यूं फागुन के छंद गोरी तेरे होठ यूं फागुन के छंद जाने किसके नाम है निविदा मोहर जाने किसके नाम है हम सुन रहे थे हास्य के कवियों को गजल की कवित्री को लेकिन अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का वो ब्रेक जो चटपटा है मसालेदार है जिसके अंदर भुजिया का करारापन भी है तो इसके अंदर चटपटी खट्टी मीठी गोलियों का स्वाद भी है जी हाँ मैं बात कर रही हूँ आपसे सतमोला ब्रेक की तो लेते हैं एक ब्रेक जितना जी में सर, रानी ड्राइवर के साथ भाग गई भाग गई जी भाग गई अरे कोई बात नहीं उसे तो बचपन से भागने का शौक है, है? सतमोला का कुछ भी पचा। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन बेटर इस दे दे इस हाँ, सक्मोला सक्मोला से बेटर है नथिंग सच मोजा नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल पनीर भुजिया भी कमाल इसके टेस्ट के सब शॉकिंग है सच मोजा नमकीन सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन सीएम साहब हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए अब आप सीएम नहीं रहे तो अब नया सीएम कौन बन रहा है चल सतमुला खाओ कुछ भी पचाओ। ब्रेक के बाद अब सबका स्वागत करती हूँ सतमोला कवियों के चौपाल में और यकीनन आप सब ने वो चटपटी करारी भुजिया खाकर अपने मुंह का जायका बना लिया होगा और उसके बाद वो चटपटी स्वाद भरी खट्टी मीठी गोलियाँ खा करके अपना सारा खाया हुआ पचा भी लिया होगा कहते हैं ना स्वाद स्वाद में जमकर खाया सतमोला से खूब पचाया तो हम अब स्वागत करेंगे अपने अगले कवि का जी हाँ बात करेंगे बचपने की कहते हैं ना कि बचपना जो है वो कभी जाना नहीं चाहिए ज़िंदगी से तो सचमुच अब मैं बुलाने जा रही हूँ उस बाल कवि को जो दिखने में तो है छोटा लेकिन जिसकी हुंकार जाती है लाल किले तक जी हाँ मैं बात कर रही हूँ बाल कवि जश्न महिला की जो हमारे सामने रखेंगे ओज की कविता ज़रा देखिए तो सही इस नन्ही कलम के अंदर कितनी धार मौजूद है तालियों के साथ स्वागत करते हैं जश्न महिला नमस्कार आज मैं आप सभी को योगेंद्र शर्मा जी की कविता प्रस्तुत करूँगा जिस कविता का शीर्षक है भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है हु की उत्कंठा थी और दीपक हर बाती में कितने घाव किए हमने भारत माँ की छाती में क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौते में हार गया क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौते में हार गया कितने काफिर निकले हम वो घर में घुस के मार गया कायरता की कालखपति हमने वीरों के बलिदानों पर कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर अरे कुलाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांव पर अरे कुलाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पाओ पर और लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद की बाहों पर फिरा फिरा लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद की बाहों पर जिस डाली पर बैठे थे हमने उसको ही तो काट दिया जिस जाली पर थे हमने उसको ही तो काट दिया। और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत माँ को बांट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत माँ को बांट लिया आजादा की आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए पूज्य पद्मिनी के जो हर की वो परिपाटी भूल गए भूल गए कृष्ण ने वैशी कंस मिटा डाला रामचंद्र ने राक्षस कुलों का पूरा वंश मिटा डाला पांच गांव की खातिर हमने महाभारत का युद्ध स्थल के छक्के छूट गए अकबर के राणा के हंकारों से अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से जलिया वाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए जलिया वाला बाग शरीखे बलिदानों को भूल गए याद करो याद करो मैं हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए याद करो मैं हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए तुंगा हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है कभी गुलामी की जंजीरें कभी घात प्रतिघात सहे कभी गुलामी की जंजीरे कभी घात प्रति घात सहे एक सदी के कालखंड ने रुद्र किया पर कदम हार कर रुके नहीं अवरोधों ने रुद्र किया पर कदम हार कर रुके नहीं इंच इंच कट गए युद्ध में पर शीश हमारे झुके नहीं इंच इंच कट गए युद्ध में पर शीश हमारे झुके नहीं इंच इंच हमने पर्वत चीर दिए थे नागूनों की धारा से हमने पर्वत चीर दिए थे नागूनों की धारा से नील गगन गुंजाया हमने भारत मां के जयकारों से नील गगन गुंजाया हमने भारत मां के जयकारों से कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है मत भूलो प्रवीण प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है मत भूलो प्रवीण प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है सूर्य की तरुणाई में त्यागी वंश की तरुणाई में जागी चमक जवानी है अरे जो समझौतों में हार गई वो धरती वापस लानी है वो धरती वापस लानी है काश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है भारत माता प्यारा है नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है नहीं उबलता रक्त रगों में अरे वो रक्त नहीं है वो पानी है नहीं उबलता रक्त रगों में वो रक्त नहीं है वो पानी है संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो विवस्वान का मतलब होता है सूरज संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो देश शिरों दुराचार को परस बल से रुद्ध करो हिंसक दंगी दुष्ट दरिंदे हिंसक दंगी दुष्ट दरिंदे दुषमाने का मद चूर करो या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो धीरज का रेख किया तो भूल बड़ी कर जाओगे धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी क्या उत्तर दे पाओगे विश्व गुरु का सपना तभी तो साकार तभी कर पाओगे पीओ के मैं अगर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे पीओ के मैं अगर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे धन्यवाद भारत माता की वाह 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 वा, कमाल कर दिया क्या ओज की कविता है सबके दिलों के अंदर एक जोश भर दिया एक जज्बा भर दिया है कमाल कर गया ये छोटा सा कवि हमारे सामने और अब मैं बुलाने जा रही हूँ के उस नाम को जो कायम है सबके होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए जी हाँ हम स्वागत करते हैं नरेंद्र गुज्जर जी का ये आएंगे और हम सबके सामने परोसेंगे हास्य की थाली स्वागत है नरेंद्र गुज्जर जी गांधी जी की जो तस्वीर नोट पे है वहां से मैंने एक व्यंग उठाया तो उस पर मैं आपको एक व्यंग कविता सुनाता हूँ कि गांधी जी की तस्वीर नहीं होती नोट पर तो ये बात आती नहीं मेरे होट पर गांधी सत्य हिंसा और धर्म के पुजारी फिर भी कुकर्म में लगे भ्रष्टाचारी गांधी सत्य हिंसा और धर्म के पुजारी फिर भी कुकर्म में लगे भ्रष्टाचारी घूस लेते समय नोट असली है कि नकली उस बात का रखते हैं ध्यान पर उस मानवता की मूर्ति से रहते हैं अनजान जब भी कोई रिश्वत खोर रिश्वत लेता होगा आखिरी पंक्तियों में संदेश दूंगा पर ये मार्मिक पंक्तियां समझिए आप कि जब भी कोई रिश्वत खोर रिश्वत लेता होगा तो नोट पर बैठा गांधी रोता होगा अरे रिश्वत खोर गांधी को बिल्कुल भी नहीं भाते हैं और कितनी पीड़ा होती है जब वो उनकी जेब में जाते हैं और कितनी पीड़ा होती है जब वो उनकी जेब में जाते हैं तो ये ये बात हो गई साहब अच्छा अपने देश में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब अपने मन का काम कर रहे हैं कोई किसी की नहीं सुन रहा है स्थिति ऐसी हो गई है अब पाकिस्तान ने अपने भारत पे बयान दे दिया था वो पाकिस्तान क्या बोल रहा है पता है अब पाकिस्तान का बयान आया वो पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान ने कहा कि भारत में शांति नहीं है व्यंग समझना दो पंक्तियां महज कि पाकिस्तान ने कहा कि भारत में शांति नहीं है जैसे जुगनू कह रहा है सूर्य में कांति नहीं है जैसे जुगनू कह रहा है सूर्य में कांति नहीं है ये आने वाला महीना इसमें बसंत होगा और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती होगी तो मैं उन्हीं पर मैं कुछ पंक्तियां यहां पर प्रस्तुत करता हूं तो पहले बसंत पर एक छोटा सा छंद हो जाए, जाए, गीत हो जा, प्रस्तुत करता हूं कोशिश करता हूं हालांकि बहुत कम मैं तरणों में लिखता हूं और गाता हूं कि प्रेम ही उमंग है प्रेम ही संग है बसंत का स्मरण करते हुए सुनिए कि प्रेम ही उमंग है प्रेम ही संग है जीवन में प्रेम का प्रबंध होना चाहिए प्रेम ही उमंग है प्रेम ही संग है जीवन में प्रेम का प्रबंध होना चाहिए इत्र की महक महकाती है तन को मन पर प्रेम की सुगंध होना चाहिए तो प्रेम को विसार प्रिय करती हो द्वंद। है ना आपसी युद्ध की प्रेम को विसार प्रिय करती हो द्वंद अब ये शीत युद्ध बंद होना चाहिए शीत युद्ध जो ग्रह क्लेश होते हैं ना घर घर कि प्रेम को विसार प्रिय करती हो द्वंद। अभियत युद्ध बंद होना चाहिए देह से नेह इस देह से, के देह से से सदैव नहीं रहता मन से मन का संबंध होना चाहिए मन से मन का संबंध होना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि <clears throat> हुआ उदित भारत में अखंड प्रचंड दिवाकर था हुआ उदित भारत में अखंड प्रचंड दिवाकर था शत्रु कांपता जिसके भय से ऐसा शौर्य यश उजागर था और भारत विरोधी अग्नि जिसके समक्ष शून्य हुई भारत विरोधी अग्नि जिसके समक्ष शून्य हुई छत्रपति शिवाजी ऐसा विराट सागर था छत्रपति शिवाजी ऐसा विराट सागर था अब राम मंदिर की बात कर लेते हैं थोड़ी राम मंदिर पर जिस तरह से जो लोगों के मन में कुछ कुंठाएं हैं कुछ लोगों को तो बहुत आशाएं उम्मीदें हैं कि यार इतने सालों के बाद में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है लेकिन उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि जो राम मंदिर पर अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक अलग ही मानसिकता समाज में तैयार कर रहे हैं तब मैंने लिखा कि मंदिर स्मृति होगा अमीट संस्कृति का मंदिर क्यों बना रहे हैं हम कि मंदिर स्मृति होगा अमीट संस्कृति का मंदिर मर्यादा होगा मानवीय प्रवृत्ति का मंदिर मर्यादा होगा मानवीय प्रवृत्ति का कि मंदिर पीढ़ियों को जीवन जीना सिखाएगा मंदिर पीढ़ियों को जीवन जीना सिखाएगा ऐसे थे श्री राम ऐसे थे श्री राम दंपति अपनी संतानों को बताएगा दंपति अपनी संतानों को बताएगा ये स्मरण रहे प्रभु श्री राम का कि भगवान राम धरा पर आए और उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए तो हमारी पीढ़ी आने वाली प्रभु राम के मंदिर का दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर सके गौरवान्वित महसूस कर सके तो भगवान राम पर कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत करता हूं कि जीवन में हुई क्षति की पूर्ति है राम क्या है राम मेरी नजरिए से देखिए आपकी जीवन में हुई क्षति की पूर्ति है राम धर्म का दर्पण मर्यादा की मूर्ति है राम धर्म का दर्पण मर्यादा की मूर्ति है राम संबंधों के सांचे में कैसे ढलना ये सीखे राम से राम की जगह अपन होते तो क्या करते कि अब तो बड़ा छोटा भाई भी आ गया है माँ भी आ गई है गुरुदेव भी आ गए हैं ससुर जी भी आ गए हैं सब आ गए हैं अब तो लौट अब तो अपन राज ले लो सब लोग आ रहे हैं मान नहीं रहे रिश्तेदार में जाके कहते अरे मैं तो क्या कि त्याग करने के लिए तैयार था लेकिन कोई घर का सदस्य माने नहीं इसलिए वापस मुझे राजपाट लेना पड़ा ये भरत नहीं माने शत्रुघ्न नहीं माने ऐसा होता तो वर्तमान परिस्थिति तो ये ऐसी आपकी भाई का कत्ल करके राज ले ले तब मैं कहता हूँ कि जीवन में विक्षति की पूर्ति है राम धर्म का दर्पण मर्यादा की मूर्ति है राम संबंधों के सांचे में कैसे ढलना कोई सीखे राम से संस्कारों से भरी सर्वोत्तम संस्कृति है राम संस्कारों से भरी सर्वतम संस्कृति है राम जय श्री राम साधुवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो जी हाँ मैं बुलाने जा रही हूँ करुणा सिंह कल्पना जी को रांची से वो आएंगी और आकर छेड़ जाएंगे हम सबके दिलों के तार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं कल्पना सिंह करुण जी का कविता तो का शीर्षक है एहसास <laughs> जिंदगी जीने के आस लिए जिंदगी जीने के आस लिए एक सुखद एहसास लिए जिंदगी जीने के आस लिए एक सुखद एहसास लिए दो चार क़दम चल दिए दो चार कदम चल दिए हवाओं से बातें कुछ ख़ास किए हवाओं से बातें कुछ ख़ास किए छुपती हुई चांद भी गवाह कर दिए छुपती हुई चांद भी गवाह कर दिए दो चार तारे भी साथ दिए ज़िंदगी जीने के आस लिए एक सुखद एहसास लिए जमी भी गुनगुना रही खुशियों का, गुन का पैगाम लिए जमी भी गुनगुना रही खुशियों का पैगाम लिए पैरों की पत्तियाँ भी सरसरा रही पैरों की पत्तियाँ भी सरसरा रही खुशियों का इजहार लिए दूर पहाड़ों से भी कुछ बातें किए दूर पहाड़ों से भी कुछ बातें किए सरकती हुई झरने भी कुछ एतियात दिए okay. जिंदगी जीने के आस लिए एक सुखद एहसास लिए चांद के पास से गुजरी हुई बादल चांद के पास से गुजरी हुई बादल कुछ पल मेरा साथ दिए पर्वतों से टकराती हुई नदियाँ पर्वतों से टकराती हुई नदियाँ जीवन जीने के सार दिए जीवन जीने के आस लिए एक सुखद एहसास लिए भौरे भी जीवन के गीत सुना दिए भौरे भी जीवन के गीत सुना दिए जुगनू भी जीवन के दीप जला दिए फूल हो खुशबू फैला दिए फूल हो जीवन के खुशबू फैला दिए संगीत हो जीवन को सुरमई बना दिए जीवन जीने के आस लिए एक सुखद एहसास लिए धन्यवाद जो आप है। है। हमें गौर कर हावुक कर देने वाले गीत के बाद मैं बुलाने जा रही हूँ गज़ल के उस बड़े नाम को जिनकी गज़लें उस आयाम को छूती हैं जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गजों की नज़र रहती है जी हाँ मैं बुलाने जा रही हूँ गज़लों के उस बड़े नाम को जो कहलाते हैं कभी कभी उर्दू की डिक्शनरी जिन्होंने लिख रखी है। हैं ग़ज़लों की न जाने कितनी किताबें मैं बुलाने जा रही हूँ मुरादाबाद से आने वाले उस बड़े शायर को जिनके आगे सजदा करना उर्दू वाले अदब की बात समझते हैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए कृष्ण कुमार नाज साहब का सभी को अभिवादन करता हूं ये गजल के दो शेर प्रस्तुत कर रहा हूं कहता हूं कि जिस घर में वफा और मोहब्बत न मिलेगी जिस घर में वफा और मोहब्बत न मिलेगी उस घर में कोई चीज़ सलामत ना मिलेगी लग, जिस घर में वफा और मोहब्बत न मिलेगी उस घर में कोई चीज़ सलामत न मिलेगी और बाजार में बैठे हो तो इतना भी समझ लो बाजार में बैठे हो तो इतना भी समझ लो क़ीमत तो मिलेगी कभी इज्जत न मिलेगी बाजार में बैठे हो तो इतना भी समझ लो कीमत तो मिलेगी कभी इज्जत न मिलेगी और संसार तो कुछ रोज ठहरने की जगह है संसार तो कुछ रोज ठहरने की जगह है बसने की किसी को भी इजाज़त न मिलेगी संसार तो कुछ रोज ठहरने की जगह है बसने की किसी को भी इजाज़त न मिलेगी और ए नींद मुझे दे दे कोई ख्वाब सुहाना ए नींद मुझे दे दे कोई ख्वाब सुहाना सोने के लिए फिर मुझे मोहलत ना मिलेगी ए नींद मुझे दे दे कोई ख्वाब सुहाना सोने के लिए फिर मुझे मोहलत ना मिलेगी दो तीन शेर और पेश कर रहा हूँ कहता हूँ कि हमने यूं भी वक्त गुजारा मस्ती में याराने में हमने यूं भी वक्त गुजारा मस्ती में याराने में जब जी चाहा घर से निकले बैठ गए मैखाने में हमने यूँ भी वक्त गुजारा मस्ती में याराने में जब जी चाहा घर से निकले बैठ गए मैखाने में और दुनिया की हर रौनक उसको फीकी लगने लगती है दुनिया की हर रौनक उसको फीकी लगने लगती है रम जाता है जब भी कोई दीवाना दीवाने में दुनिया की हर रौनक उसको फीकी लगने लगती है रम जाता है जब भी कोई दीवाना दीवाने में और अब तक एक जलन बाकी है अब तक होंठ सुलगते हैं अब तक एक जलन बाकी है अब तक होंठ सुलगते हैं फूल समझकर चूम लिया था अंगारा अनजाने में अब तक एक जलन बाकी है अब तक होंठ सुलगते हैं फूल समझकर चूम लिया था अंगारा अनजाने में और अश्क नहीं है ये माजी की धुंधली सी तस्वीरें हैं अतीत अश्क नहीं है ये माजी की धुंधली सी तस्वीरें हैं टूट गए हम चंद पुरानी यादों को दफनाने में टूट गए हम अश्क नहीं है ये माजी की धुंधली सी तस्वीरें हैं टूट गए हम चंद पुरानी यादों को दफनाने में और जिन छत और दीवारों को हम घर कहकर खुश होते थे जिन छत और दीवारों को हम घर कहकर खुश होते थे सब की सब तब्दील हुई है आज मुसाफिर खाने में जिन छत और दीवारों को हम घर कह कर खुश होते थे सब की सब तब्दील हुई है एक मुसाफिर खाने में और आखिर में दो तीन शेर और प्रस्तुत कर रहा हूँ कहता हूँ कि पास उसके मेरे हिस्से का कभी कल न हुआ पास उसके मेरे हिस्से का कभी कल न हुआ मसला जैसा था वैसा ही रहा हल न हुआ पास उसके मेरे हिस्से का कभी कल न हुआ मसला जैसा था वैसा ही रहा हल न हुआ और जाने क्या अपनी मोहब्बत में कमी थी ऐसी जाने क्या अपनी मोहब्बत में कमी थी ऐसी वो दीवाना ना हुआ और मैं पागल ना हुआ जाने क्या अपनी मोहब्बत में कमी थी ऐसी वो दीवाना ना हुआ और मैं पागल ना हुआ और मुनसर ज़ात पे उसकी था मेरा सारा वजूद आधारित मुनसर जात पे उसकी था मेरा सारा वजूद वो समंदर ना हुआ और मैं बादल ना हुआ मुनसिर जात पे उसकी था मेरा सारा वजूद वो समंदर न हुआ और मैं बादल न हुआ और उसकी सहबत भी बदल पाई न फितरत मेरी उसकी सहबत भी बदल पाई न फितरत मेरी टाट था टाट रहा टाट से मखमल न हुआ फार फार। उसकी सहबत भी शुक्रिया बदल पाई न फितरत मेरी टाट था टाट रहा टाट से मखमल न हुआ और ये इनायत है उचटती हुई नींदों की नाज ये इनायत है उचटती हुई नींदों की नाज ख्वाब मेरा कभी कोई भी मुकम्मल ना हुआ तो ख्वाब मेरा कभी कोई भी मुकम्मल ना हुआ धन्यवाद दोस्तों जब एक बार गजलों का माहौल बन जाता है ना तो फिर आप उससे यूं ही बाहर नहीं निकल सकते वो हमारे जहन पर तारी हो जाता है और सारे माहौल में वो जो उर्दू की मिठास घुल जाती है उससे बाहर आना लगभग लगभग नामुमकिन होता है तो क्यों ना एक बार और गज़ल को सुना जाए मैं बुलाने जा रही हूँ उर्दू अदब के एक और बड़े शायर अरुण साहिबाबादी जी को जो हमारे सामने गज़ल रखेंगे और वही नज़ाकत वही नास्त आहा क्या मज़ा आएगा तो सुनते हैं अरुण साहिबा वादी जी को कृष्णा बहुत सम्मान पाता है मेरी नजरों में तब कृष्णा बहुत सम्मान पाता है मेरी नजरों में तब कृष्णा बहुत सम्मान पाता है कि जब ये द्रौपदी की लाज को चादर उड़ाता है कि जब द्रौपदी की लाज को चादर उड़ाता है ये शीशे का मका एक दीप से भी जग मगाता है ये शीशे का मका दीप से भी जग मगाता है इधर इसका उजाला दूस रे घर तक भी जाता है इधर इसका उजाला दूसरे घर तक भी जाता है मोहब्बत करने वालों के शजर जब नाम पाता है मोहब्बत करने वालों के शजर जब नाम पाता है तब अपना जेस्म छिल जाने पे भी ये मुस्कुराता है तब अपना जैसम छिल जाने पे भी ये मुस्कुराता है कि ये मज़दूर जिस सुंदर इमारत को बनाता है के ये मज़दूर जिस सुंदर इमारत को बनाता है कभी चुपचाप बाहर से ये उसको देख आता है कभी चुपचाप बाहर से ये उसको देख आता है उसे शीरी बना कर बांटता है सारी धरती पर उसे शीरी बना कर बांटता है सारी धरती पर के सूरज जितने पानी को समंदर से उठाता है के सूरज जितने पानी को समंदर से उठाता है फकत मामूली सूरत और रंगत रखता है बेला फकत मामूली सूरत और रंगत रखता है बेला मगर ये अपनी खुशबू से बहुत इज्जत कमाता है ना इसको इल्म है उसका न उसकी शक्ल से वाकफ न इसको इल्म है उसका न उसकी शक्ल से वाकिफ खुदा के साथ इंसान का बहुत दिलचस्प नाता है खुदा के साथ इंसान का बहुत दिलचस्प नाता है इसी कारण तो इसकी गाय बेहद दूध देती है, इसी कारण तो इसकी गाय बेहद दूध देती है ये कृष्णाचार के संग इनको बंसी भी सुनाता है ये कृष्णाचार के संग इनको बंसी भी सुनाता है और आपने देखा क्या देश के बड़े बड़े कवि हमारे साथ थे और क्या दिग्गज बातें उन्होंने हमारे साथ करी क्या शायरी सुनाई क्या गीत सुनाए क्या हास्य उत्पन्न किया अगर आप भी इस शो में आना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नाइन सेवन ट्रिपल वन एट टू वन एट पर भूलेगा नहीं नाइन सेवन ट्रिपल 82183 जी हाँ ये है हमारा नंबर आपको सिर्फ इतना करना है कि मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलानी है इस नंबर पर कॉल लगाना है और फिर आप भी होंगे देश के करोड़ों दर्शकों के सामने तो देर किस बात की है उठाइए अपना मोबाइल फोन अभी के अभी और लगाइए ये नंबर नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं अनिल मित्तल चेयरमैन सदमुला ग्रुप जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोलो कवियों की चौपाल आरम्भ करा परवीन जी के साथ मिल के। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है जो ये ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त तो ना होता जाए जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है जितना टी वी हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थी पुरानी सभ्यता थी कविता पाठ था वो धीरे 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 ये लुप्त होता जा रहा था तो इसीलिए हम दोनों ने मिल के दो के अंदर सतमुलों की कवियों की चौपाल आरम्भ करी जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि या जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सब सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ आप लोगों का स्वागत है उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ उनको नमन करता हूँ प्रवीण जी का ये जो प्रयास सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है मैं इसका एक साक्षी हूं नव अंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ वीरस के कवि थे हास्य रस के कवि थे श्रृंगार रस के कवि थे, थे और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनकी लिए बड़े आदर पूर्वक आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है आप नव अंकुर कवि हैं परंतु आप हमेशा नवंकर नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों का को इतना उदात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो ऐसा मेरा आपसे आग्रह है ऐसा मेरा आपसे निवेदन है आप में प्रतिभा है आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और मैं आपके बीच में रहा जितना समय भी रहा मुझे बहुत आनंद आया मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ मैं आपको बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ आपको बहुत साधुवाद देता हूँ बहुत धन्यवाद आप सभी का अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नाम नामक ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि तो केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है बल्कि यहाँ पर नवांकुर नए नए कवि नए नए कवियत्रियाँ कवे, कवे, इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं जो सारे संसार के अंदर जाता है तो ये बहुत बड़ा मंच है एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े नए नए बच्चे यहाँ पर आए बहुत अच्छा लगेगा हमारा आशीर्वाद इस पूरी पूरी संस्था के लिए है सतमुला कविमी चौपाल के लिए है और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है बहुत प्यार है आप सब आए और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को रानी ड्राइवर के साथ भाग गई भाग गई जी भाग गई अरे कोई बात नहीं उसे तो बचपन से भागने का शौक है खाओ, कुछ भी हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन इससे बेहतर है नथिंग सतमोला नमकीन टेस्ट है बेमिसाल पनीर भुजिया भी कमाल इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन सीएम साहब हमारे तीस विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए अब सीएम नहीं रहे सत्मोला। तो अब नया कौन बन रहा है चल सतमुला खाओ कुछ भी बचाओ